अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। ये कलयुग है, बुराई का समय है, कोई भी बुरा कर्म करता है इंसान तो यहाँ पे फलता फूलता नजर आता है, लेकिन अच्छा कर्म करता है क्योंकि ये कलयुग है तो काल महाकाल उसे जरूर रोकता है। काल कभी नहीं चाहता कि रूहें आत्माएं अच्छा कर्म करके ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम में जा विराजे, इसलिए वो ऐसे ऐसी अड़चने अड़ाता है जिससे अच्छाई करने वाले, अच्छाई पे चलने वाले दूर हो जाएं। लेकिन बुलंद हौसला रखिए, राम का नाम जपते रहिए, अपनी विल पावर को ऊंचा रखिए तो आप हर मुश्किलों को पार कर सकते हैं। कोई भी बुराई आपको नहीं रोक पाएगी, लेकिन आदमी के अंदर जरूर आता है कि मैं तो हमेशा अच्छा ही करता रहा हूँ, मेरे पे बहुत जुल्म हो रहा है, तो ये संचित कर्म भी होते हैं। लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है तो ये भी हो सकता है, कहते हैं शेर जब दो कदम पीछे हटता है तो वो जंप मार के बहुत आगे की मंजिल पा जाता है, तो हो सकता है ये बुराई आपको बहुत कुछ सिखा रही हो ताकि आने वाले समय में आप बहुत आगे निकल जाएं। तो बुराई के समय में घबराइए नहीं, अच्छाई कभी मरा नहीं करती और बुराई कभी आसमान नहीं छूती। बुराई एक दिन जरूर खत्म होती है और अच्छाई एक दिन जरूर ऊंचाइयों पे जाती है, तो इसलिए टेंशन छोड़िए, ये मत सोचिए कि मेरे साथ क्यों हुआ, ये सोचिए कि अगर आप भक्ति कर रहे हैं, राम का नाम ले रहे हैं, फिर भी आपके साथ बुरा हो रहा है तो अच्छे के लिए हो रहा है। भगवान कभी भी अपने भक्तों के बुरे के लिए कुछ भी नहीं करते, हमेशा अच्छे के लिए करते हैं। उसकी रजा में रह के देखिए, जरूर मालिक आपको अच्छाई की तरफ लेके जाएंगे, तरक्की दिलवाएंगे।